हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं भाई सब बढ़िया होंगे। इस वीडियो के अंदर हम लोग कवर करने वाले हैं इंग्लैंड वुमेन और इंडिया वुमेन के बीच में जो सेकंड ओडीआई मैच खेला जाएगा इसको कवर करेंगे। एक मैच ऑलरेडी हो चुका है दोनों टीम्स के बीच में, जिसमें इंडिया वुमेन्स बहुत बढ़िया खेल के आई और मैच को विन करके आई है भाई। लेकिन इस मैच के अंदर आपको क्या चीज़ें ट्राई करनी है वो सारा डिस्कशन करेंगे। और जो फर्स्ट मैच था ना, देखो वो एक अलग वेन्यू के ऊपर था, और ये वाला जो मैच रहेगा यानी कि जो सेकंड ओडीआई रहेगा ये भाई दूसरे वेन्यू के ऊपर खेला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले तो वेन्यू के स्टैट्स डिस्कस करने वाले हैं कि वेन्यू के स्टैट्स के अकॉर्डिंग आप लोग किस प्रकार से टीम कॉम्बिनेशन यहाँ पे बना पाओगे, और कुछ एक इंपॉर्टेंट टिप्स के बारे में बात करेंगे। कैप्टनसी वाइज कैप्टनसी का डिस्कशन करेंगे, कौन से प्लेयर आपके लिए सेफ ऑप्शंस बन सकते हैं और कौन से प्लेयर्स को डिफरेंशियल पिक में कैप्टन वाइज कैप्टन आज के मैच में किया जा सकता है। तो एंड तक वीडियो को वॉच करना है, स्किप आपको कहीं पर भी नहीं करना, क्योंकि एक भी इंफॉर्मेशन आपको वीडियो में दी जाने वाली यार मिस नहीं करनी है। चैनल पर नहीं हो तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर लेना, पास में नोटिफिकेशन बेल का ऑप्शन आएगा उसको ऑन कर लेना, जो भी वीडियो इसके बाद में अपलोड होगी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। वीडियो पसंद आई, वीडियो में बताई गई इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगे तो यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और हमारे जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो आपको नीचे इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मिलेगा, वहां से ज्वाइन कर लेना। 31,000 से ज़्यादा मेंबर ज्वाइन कर चुके हैं। कोई भी अपडेट होगी टॉस के बाद की फाइनल टीम या फिर लास्ट मोमेंट पे कोई भी चेंज अपनी टीम में करना पड़ेगा, आपको टेलीग्राम चैनल पर सारी अपडेट मिलेगी, तो ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम चैनल को, लिंक आपको नीचे वीडियो के कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। फर्स्ट मैच की बात कर तो इंडिया वुमेन्स बहुत ही बढ़िया तरीके से विन करके आई, काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस उनके बॉलर्स ने भी करके दिया और बैटिंग में भी अच्छी खासी परफॉर्मेंस वहाँ पे इंडियन प्लेयर्स ने करके दी थी। लेकिन ये जो मैच खेला जाएगा ये सेंट लॉरेंस ग्राउंड के ऊपर खेला जाएगा। टोटल इस वेन्यू के ऊपर 7 वुमेन्स T20 इंटरनेशनल मैचेज खेले गए हैं, ध्यान रखना, ठीक है। मैं सिर्फ वुमेन्स T20 इंटरनेशनल मैच वुमेन्स ODI मैचेज की मैं बात करूँ भाई, T20 नहीं ODI मैच ये, तो वुमेन्स ODI की अगर बात कर तो टोटल इस वेन्यू के ऊपर 7 मैचेज हुए हैं, जहाँ पे फर्स्ट बैटिंग ने 4 विन करे हैं और सेकंड बैटिंग ने 3 मैच विन करे हैं। सिर्फ एक मैच का डिफरेंस है, कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, लेकिन एवरेज जो पहले इनिंग का स्कोर है वो लगभग 242 या फिर 240 आप लोग मान के चलो, और वुमेन्स का मैच है और वुमेन का मैच है तो आपको पता होना चाहिए कि भाई 240 का जो स्कोर होता है ना वुमेन के मैच में काफ़ी बढ़िया स्कोर माना जाता है, ठीक है। हाईएस्ट जो स्कोर इस वेन्यू के ऊपर करा है वो इंग्लैंड वुमेन ने ही कर रखा भाई 347 रन, और आज के मैच में भी आपको इंग्लैंड वुमेन्स देखने को मिलेगी। तो इंग्लैंड वुमेन्स की बैटिंग लाइनअप काफ़ी बढ़िया, लेकिन लास्ट मैच उनका जो टॉप ऑर्डर था ना वो बिल्कुल कोलैप्स करके गया था, उसके चलते फिर वो बड़ा स्कोर नहीं खड़ा कर पाए थे। लेकिन अगर 10-12 ओवर तक विकेट नहीं गिरता है इंग्लैंड वुमेन का तो वो फिर से एक बार बड़ा स्कोर खड़ा कर सकते हैं, ध्यान रखना, क्योंकि उनकी बैटिंग में काफ़ी ज़्यादा आपको गहराई देखने को मिलेगी। और जो सबसे कम स्कोर है इस वेन्यू के ऊपर वो भी भाई इंग्लैंड वुमेन्स के नाम है, सिर्फ 75 रन। स्कोरिंग पैटर्न पे अगर नज़र डालें तो देखो 200 से 249 के बीच में 3 बार स्कोर बना और 250 से 299 के बीच में 2 बार। अब दोनों टीम्स का अगर बैटिंग यूनिट देखा जाए तो वो काफ़ी बढ़िया है, तो हम लोग मान के चलेंगे कि एटलीस्ट देखो कम से कम अगर मैं आपको बताऊं तो 230 से 250 के बीच में तो स्कोर इस वेन्यू के ऊपर ज़रूर बनना चाहिए। इतने से कम स्कोर अगर पहले बैटिंग करने वाली टीम करेगी ना तो फिर उसके कहीं ना कहीं विनिंग के जो चांसेज रहेंगे ना वो थोड़े से मुझे कम देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि विकेट देखा जाए तो बैटिंग के हिसाब से काफ़ी बढ़िया हो सकता है, तो रन्स बनने की उम्मीद तो आज के मैच में ज़रूर बनेगी। रिसेंट मैचेज जो इस वेन्यू के ऊपर खेले गए 4 से 5 मैचेज मैं आपको दिखाऊंगा। वैसे तो नॉर्मली यहाँ पे देखो 7 जो है ODI मैचेज खेले गए हैं, लेकिन मैं यहाँ से 4 से 5 मैचेज की बात करूँगा। 2 मैचेज मैं इसलिए नहीं आपके सामने डिस्कस करना चाहता क्योंकि यार वो जो बातें ना वो लगभग 1987 के अंदर वो मैचेज हुए थे, ठीक है, तो इतनी पीछे जाने का तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। रिसेंटली जो इस वेन्यू के ऊपर मैच खेला गया वो खेला गया था भाई 26 सितंबर 2021 को, आज से लगभग 1 साल पहले, ठीक है। इंग्लैंड वुमेन पहले बैटिंग करना ही 347 बड़ा स्कोर करा, जो मैं आपको रिसेंटली पीछे बता के भी आया हूँ। न्यूजीलैंड वुमेन्स के साथ में मैच था, न्यूजीलैंड वुमेन चेज करते हुए सिर्फ 144 के स्कोर के ऊपर पूरी टीम ऑल आउट होकर गई थी। 203 रन से यहाँ पे जो इंग्लैंड वुमेन है इसने मैच को विन करा था। जुलाई 7, 2019 को मैच हुआ बोस ऑस्ट्रेलिया वुमेन और इंग्लैंड वुमेन के बीच में। ऑस्ट्रेलिया वुमेन ने देखो यहाँ पे फर्स्ट बैटिंग करते हुए 269 करे, इंग्लैंड वुमेन चेज ही नहीं कर पाई, चेज तो छोड़ो भाई कहीं आसपास भी नहीं जा पाई थी, सिर्फ 75 के स्कोर के ऊपर पूरी टीम ऑल आउट हो गई। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स जो है 194 रन से मैच को विन करके गई। उसके बाद जून 15, 2018 को मैच हुआ साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड के बीच में, यहाँ पे साउथ अफ्रीका वुमेन ने पहले बैटिंग करते हुए 228 रन करे 10 विकेट पे, इंग्लैंड वुमेन यहाँ पे इजीली चेज करके गई। इजी इसलिए भाई बिकॉज इनके 3 ही विकेट गिरे थे, ठीक है। 232 का स्कोर यहाँ पे बड़ा स्कोर इन्होंने चेज कर लिया, 7 विकेट से यहाँ पे इंग्लैंड वुमेन मैच को विन करके गई थी। 6 अगस्त 2008 को मैच हुआ था, ये तो भाई बहुत पुरानी बात है, लगभग 14 साल पहले, ठीक है। इंग्लैंड वुमेन 254 करे फर्स्ट बैटिंग में, साउथ अफ्रीका वुमेन ने सिर्फ 133, पूरी टीम ऑल आउट हो गई। इंग्लैंड वुमेन 121 रन से मैच को विन करके गई थी। उसके बाद में 25 जून 2000 को मैच, लगभग आज से 22 साल पहले, इंग्लैंड वुमेन 203 करे 6 विकेट पे, साउथ अफ्रीका वुमेन चेज करके गई 204 रन बना के 9 विकेट पे, सिर्फ 1 विकेट से मैच को विन करा था, ठीक है। अब देखो जैसा कि मैंने आपको बताया रिसेंटली 2 मैचेज और बचते हैं जिनके बारे में मैं आपको बता सकता था, बट यार वो 1987
1987 या 1990 की बातें हैं, मतलब बहुत पीछे आपको जाना पड़ेगा। और उसके बाद तो यार इतने साल के अंदर तो काफ़ी सारी चीज़ें चेंज देखने को मिल जाती हैं, तो उनके बारे में बात करने का मेरे हिसाब से कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होने वाला। जहाँ तक चीज़ें पॉसिबल है मैंने आपको देने की कोशिश करी है। अब एक चीज़ अगर आप लोग नोटिस करोगे ना, ये जो स्टैट्स मैंने आपको दिखाई इनमें अगर आप लोगों ने एक चीज़ नोट करने की कोशिश करी हो तो वो ये है कि भाई देखो, जो सेकंड बैटिंग करने वाली टीम है ना, वो नॉर्मली या तो ऑल आउट होके जा रही है या फिर उससे चेज नहीं हो पा रहा। इस मैच में देखोगे न्यूजीलैंड सिर्फ 144 कर पाई, इंग्लैंड वुमेन चेज करते टाइम सिर्फ 75 कर पाई थी। इंग्लैंड वुमेन यहाँ पे एकमात्र मैच जहाँ पे विन करके गई इंग्लैंड वुमेन की टीम, ठीक है, चेज करते हुए। यहाँ पे भी देखोगे तो 133 स्कोर कर पाई थी साउथ अफ्रीका की टीम, जो है सिर्फ 133 के स्कोर पर पूरी ऑल आउट हुई थी। और उसके बाद में नीचे अगर हम लोग आएँ तो यहाँ पे देखो चेज जरूर किया साउथ अफ्रीका वोमेन ने, बट भाई एक चीज़ नोटिस करने वाली है कि इस मैच में स्कोर भी काफ़ी कम था, क्योंकि सिर्फ 200 के आसपास का स्कोर था, ठीक है। बट उस स्कोर को भी चेज करने में साउथ अफ्रीका वोमेंस के 9 विकेट्स गिरे थे। तो देखो अकॉर्डिंग टू स्टैट्स या फिर रिसेंटली जो मैचेज इस वेन्यू के ऊपर खेले गए उनको देखते हुए तो भाई एक ही चीज़ अपने को दिख रही है कि शायद यहाँ पर चेज करना जो है ना वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। मतलब जो भी टीम टॉस विन करेगी वो शायद पहले बैटिंग करने का भी डिसीजन यहाँ पे ले सकती है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और अकॉर्डिंग टू स्टैट्स अगर आप लोग टीम बनाना चाहो तो अब इजीली इन स्टैट्स को देख के मेरे हिसाब से बना पाओगे, उसमें आपको फिर ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हेड टू हेड लास्ट के 5 मैचेज़ की बात करें तो देखो ये जो 4 मैचेज़ है ना, ये मैं आपको रिसेंटली पीछे वाली वीडियो यानी कि जो फर्स्ट मैच था उसमें बता चुका हूँ। जो लास्ट मैच इनके बीच में खेला गया था वो भैया 18 सितंबर को, अभी रिसेंटली आपको पता जो फर्स्ट ओडीआई हुआ था उसमें इंडिया वुमेन 7 विकेट से विन करके गई और भैया 34 बॉल्स है यानी कि लगभग मान के चलो 6 के आसपास ओवर्स बचे हुए थे, ठीक है। अब नीचे आओगे रिसेंट मैचेस की परफॉर्मेंस यानी कि लास्ट मैच कौन से प्लेयर का कैसा परफॉर्मेंस रहा उसको देख लेते हैं, फिर सीधा अपने टीम कॉम्बिनेशन पे चलेंगे। इंग्लैंड वुमेन की बात करें, टेमी बियामंट ने देखो 7 रन करे थे, लैम्ब भैया 12 रन करके गई थी, विकेट कोई नहीं मिला था, 3 से 4 ओवर की इसने बॉलिंग भी करवाई थी। अब बियामंट देखो काफ़ी बढ़िया प्लेयर है, मैं आपको बता दूँ, ठीक है। कोई ना कोई मैच देखो 3 जो है ओडी मैचेज है और बचे हैं भाई 2 ओडी मैच, उनमें से एक मैच ऐसा ज़रूर हो सकता है जिसमें बियामंट के बल्ले से काफ़ी बढ़िया बारी आपको देखने को मिल जाएगी। हल्के में लेके मत चलना भाई, इस प्लेयर को ध्यान रखना, ठीक है। सोफिया डंकले करंटली फॉर्म काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रही है, T20 मैचेज में अच्छा खासा प्रदर्शन यहाँ पे करके आई है, फर्स्ट ओडीआई मैच में भी थोड़े बहुत रन इनके बल्ले से जरूर निकले हैं। एलिसा कैप से थोड़ा सा फ्लोप गई भाई, 19 ही रन कर पाई, डैनियल वाइट ने 43 की पारी खेली थी, एमी जोन्स टीम की कैप्टन एंड विकेट कीपर सिर्फ 3 कर पाई, डेविडसन ने 50 करे, बॉलिंग में विकेट नहीं मिला, 6 से 7 ओवर इसने लगभग बॉलिंग करवाई थी, ठीक है। सोफिया क्लेस्टन 31 रन करे, विकेट नहीं मिला, एक इंपॉर्टेंट बॉलर इस टीम की चार्लेट डीन ने 24 करे, एक विकेट लिया, केट क्रॉस ने 2 विकेट निकाले थे, इसी वोंग को विकेट नहीं मिला था। और क्रॉस के बारे में मैंने आपको वीडियो के अंदर भी बोला था कि इंपॉर्टेंट प्लस आपके लिए डिफरेंशियल पिक बन सकती है अगर आप लोग ऐसे कैप्टन वाइस कैप्टन इसको ट्राई करना चाहो तो। बढ़िया परफॉर्मेंस करके दी थी भाई। अगर मैं इनके मेन बॉलर्स की बात करूँ तो देखो सोफिया क्लेस्टन, चार्लेट डीन, केट क्रॉस, ऐसे वोंग और डेविडसन, मेन तो यही इनकी देखो 5 बॉलर्स रहेगी, बाकी यहाँ पर बॉलिंग करवाएंगी। देखो एम्मा लैम्ब बॉलिंग करवा सकती है और अगर यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी ना तो डैनियल वाइट शायद बॉलिंग करवाने आ सकती है, लेकिन वाइट के थोड़े से चांसेस कम रहेंगे, ठीक है। उसके बाद में इंडियन वुमेन की बात करें तो स्मृति मंदाना काफ़ी बढ़िया पारी 91 रन्स की, और जब भी मैंने T20 मैचेस कवर करे थे ना वहाँ पे भी अगर आपको ध्यान हो जो रेगुलरली मेरे वीडियोज़ वॉच करते हैं तो उनको पता होगा कि मैंने वहाँ यानी कि T20 मैचेस की वीडियोज़ में भी आपको बोला था कि भाई स्मृति मंदाना एक ऐसी प्लेयर है इंडियन टीम की साइड से जो इंग्लैंड के सामने भाई परफॉर्मेंस करती ही है। नॉर्मली आपको लगभग 10 से 7 से 8 मैचेज में तो भाई ये परफॉर्म जरूर करके जाती है जब भी इंग्लैंड वुमेन के सामने खेलती है। तो लास्ट मैच में भी 91 की काफ़ी बढ़िया पारी आई थी। शेफाली वर्मा लगातार फ्लॉप चल रही है भाई, ना तो T20 मैचेज में कोई रन निकले और यहाँ पे पहले ओडीआई मैच में भी फ्लॉप गई है। यासिका भाटिया जिनसे उम्मीद नहीं थी ऐसी पारी की, यार वो भी 50 रन की काफ़ी बढ़िया पारी खेल के गई। हरमनप्रीत कौर मेरी टीम में वाइस कैप्टन थी, 74 की बहुत ही बढ़िया पारी खेली थी और ज़रूरत पड़ेगी तो बॉस ये बॉलिंग भी करवाएगी, वो ध्यान रखना, ठीक है। हरलिन देओल ने 6 रन करे थे, विकेट एक मिला था, लेकिन रेगुलर बॉलर नहीं है, बीच में 2 से 4 ओवर भाई निकलवाए जा सकते हैं। दीप्ति शर्मा ने 2 विकेट लिए थे, पूजा वस्त्रकार सिर्फ 2 ओवर की बॉलिंग करी थी, ज़्यादा इसने ओवर्स नहीं डाले थे, ये थोड़ा सा भाई देखो चीज़ें ना सस्पेंस क्रिएट करती हैं। सनी राणा को 1 विकेट मिला था, जुलन गोस्वामी 1 विकेट, राजेश्वरी गायकवाड़ 1 विकेट और मेघना सिंह को 1 विकेट। हो सकता है आज के मैच में शायद आपको रेणुका सिंह खेलते हुए दिखे, क्योंकि अगर अर्ली विकेट निकालने तो ऐसा कोई बॉलर इनको चाहिए जो स्टार्टिंग में स्विंग करवा दे, ठीक है। तो उसमें आपको जुलन गोस्वामी तो मिलेगी, प्लस ये शायद रेणुका और जुलन गोस्वामी के कॉम्बिनेशन के साथ में भी इंडियन टीम यहाँ पर जा सकती है। तो ये इंडियन प्लेयर्स के लास्ट मैच परफॉर्मेंस थे यहाँ पर इंग्लैंड वुमेंस के, बता दिए। वेन्यू के स्टैट्स देखोगे, समझोगे चीज़ों के, तो उस हिसाब से टीम कॉम्बिनेशन सेट करने की कोशिश करोगे तो डेफिनेटली आप लोग एक बढ़िया टीम बना पाओगे। अभी चलते हैं सीधा अपने टीम कॉम्बिनेशन पे। अब यहाँ पे देखो विकेट कीपिंग सेक्शन में आपके पास में 2 ऑप्शन है, यहाँ पे यासिका भाटिया और एमी जोन्स।
अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको परफॉर्मेंस के बेस पे चाहिए तो आप लोग यहाँ पे यासिका भाटिया के साथ में जा सकते हो। अगर आप लोग थोड़ा सा देखो मतलब ज़्यादा सेफली खेलना चाहो ना तो फिर आपके लिए जोन्स बढ़िया ऑप्शन है, क्योंकि एक मैच में फ्लॉप गई है भाई इसका मतलब ये नहीं कि प्लेयर बढ़िया नहीं हो सकती, काफ़ी बढ़िया प्लेयर है, ठीक है। तो विकेट कीपिंग सेक्शन की चॉइस मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, जो भी आपको ठीक लगे भाई उस हिसाब से ट्राई कर लेना। बैटिंग सेक्शन में स्मृति मंदाना, सोफिया डंकले, और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो एमएलएम, देखो तीन तो भाई कॉमन पिक्स हैं। ऑलराउंडर सेक्शन में दीप्ति शर्मा, हरमनप्रीत कौर, यहाँ पर डेविडसन रिचर्ड्स को टीम में पिक करना पड़ेगा, क्योंकि बॉस लास्ट मैच में इसने बॉलिंग भी 7 से 8 ओवर की अपने को करके दी, प्लस 50 रन की पारी भी खेली है, तो मतलब एक इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगी, तो आज के मैच में ड्रॉप करने का रिस्क नहीं ले सकते। अब देखो आपके पास में कैप्से की ऑप्शन है, राणा की ऑप्शन है, दोनों बढ़िया प्लेयर्स हैं, ट्राई कर सकते हो, जिसको भी करो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। बॉलिंग सेक्शन में होगी सोफिया एक्लेस्टन, कैट क्रॉस, झूलन गोस्वामी, ये तो भाई इंपॉर्टेंट पिक्स रहेगी, ठीक है। तो मतलब सीधा सीधा आपकी 9 प्लेयर की टीम यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी, जिसमें एक विकेट कीपिंग सेक्शन से प्लेयर आपको चाहिए, मतलब 10 प्लेयर की टीम बन जाएगी। अब एक प्लेयर की ऑप्शन बचती है फाइनली, अब वो मैं आपको कहाँ अपडेट करूँगा, टेलीग्राम चैनल पर, क्योंकि यार देखो जैसा कि मैंने आपको स्टैट्स में भी बोला है कि टॉस का बहुत बड़ा रोल रहेगा यहाँ पे, तो टॉस के बाद में मैं फाइनल प्लेयर का सिलेक्शन करूँगा, ठीक है। और कौन सा मेरा फाइनल प्लेयर रहेगा वो उसकी अपडेट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जिसका लिंक नीचे कमेंट सेक्शन में दे रखा है, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लेना। कैप्टनसी वाइज कैप्टनसी में तो आप लोग किसी को भी ट्राई कर लो, मंदाना की बात करूँ, हरमनप्रीत कौर है, दीप्ति शर्मा, यहाँ पे डेविडसन है, डंकले है, लैम्ब है, भाई सारी की सारी बेस्ट ऑप्शन है। और वैसे भी 50 ओवर का मैच है, कौन कब परफॉर्म कर जाए भाई नहीं कह सकते, ठीक है। लेकिन मैं जिसको भी फाइनल अपनी टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन रखूँगा आपको टेलीग्राम पे अपडेट मिल जाएगी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपने कंप्लीट वॉच किया होगा, भाई पसंद आया हो वीडियो में बताई गई इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर लेना, जो भी वीडियो आगे अपलोड होगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मिलते हैं फिर अगले मैच की वीडियो में, उम्मीद करता हूँ आप लोग इस मैच में एक अच्छा टीम कॉम्बिनेशन बनाओगे और आपकी टीम बढ़िया परफॉर्म जरूर करेगी।